अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे जी। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है कि टेंडा राउटर का जो फर्मवेयर हम लेटेस्ट अपग्रेड करते हैं उस पर डाउनग्रेड कैसे किया जाता है। एक दोस्त ने मुझे ईमेल पे भी मैसेज किया और शायद कमेंट भी किया था, तो उसने कहा था भाई इसको डाउनग्रेड कर सकते हैं क्या, राउटर डेड तो नहीं होगा। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि आप एजेंसी ये बात क्लियर करूंगा कि इससे राउटर डेड होता है या नहीं होता। इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपकी चीज़ का नुकसान ना हो, अगर कोई मसला होता है तो मेरे साथ हो तो मैं आपको शेयर कर सकूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ और आप हर वीडियो में यही कहते हैं यार नहीं करना सब्सक्राइब, ना वीडियो लाइक करनी है ना सब्सक्राइब करनी है, बस वीडियो देखनी है और चले जाना है। चले भाई आपकी मर्जी, मैंने कहा सब्सक्राइब कर दें, आपने नहीं किया तब भी आपकी मर्जी, कर दिया तब भी आपकी मर्जी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। मैंने अभी टेंडर राउटर कनेक्ट कर लिया, यहाँ से मैं इसकी आईपी एड्रेस ओपन करूंगा जी। मैंने आईपी एड्रेस उसकी लिख ली है जी। तो जैसा कि मैंने उसको रिपीटर मोड पे किया हुआ तो इसलिए ये आईपी ओपन नहीं होगी यूनिवर्सल रिपीटर के ऊपर। तो जैसा कि मैंने इसकी लास्ट वीडियो अपलोड की थी वो इसी के ऊपर थी कि आपने क्या नाम है कैसे ओपन करना है वो कॉन्फ़िगरेशन टेंडर राउटर की कैसे करनी, मैंने फुल वीडियो अपलोड की हुई, जिस भाई ने नहीं देखी वाई बटन में भी मिल जाएगी और आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। सॉरी यार ये ओपन नहीं हो रहा, अब ये ओपन हो चुका है जी। यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ जी। यहाँ से अब मैं आपको दिखाता हूँ जी, एडमिनिस्ट्रेशन पे जाके नीचे जाकर ये देखें जी, मेरा इस टाइम फर्मवेयर करंट फर्मवेयर वर्जन ये है जी V12.01.01.52। चले हम चलते हैं जी अब क्या नाम है गूगल पे और लिखते हैं टेंडा N301 फर्मवेयर। आपके पास बेशक वो है क्या नाम है F3, आप उसका सर्च कर लें, बात एक ही है ठीक है। यहाँ पे मैं इसका फर्मवेयर सिलेक्ट क्या नाम है वेबसाइट को ओपन कर लीजिए। फर्स्ट वाली जो वेबसाइट आई है यूएस की, तो इसको आप ओपन कर लें। ओपन करने के बाद अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। तो यहाँ पे मेरे पास आ चुका है जी फर्म, ये 56 है जी। तो अभी मैं आपको क्या नाम है बताता हूँ जी आगे आपने क्या करना है जी। नीचे आ जाते हैं जी, नीचे स्क्रॉल डाउन ये देखें, ये इसका V2.0 वाला फर्मवेयर, इसको ओपन करते हैं जी हम। ये जब राउटर आया था तो मेरे राउटर के अंदर डिफॉल्ट के अंदर यही फर्मवेयर था, ज्यादातर यही होता है ठीक है। हम मेन बात है ना डाउनग्रेड करने की, और ये डाउन ही है, ये देख लें इस पे 42 है, और जो मैंने आपको आगे दिखाया जी क्या नाम है उस पे आप देख लें जी 52 है ठीक है। तो अभी मैं इसको फर्मवेयर को डाउनलोड करता हूँ, क्या नाम है इधर से मैं डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ, और ये जैसे ही डाउनलोड होता है फिर हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, और फिर मैं क्या नाम है इसको फाइल को क्या नाम है उसके ऊपर अपलोड करते हैं। तो फिर देखते हैं अभी फाइल डाउनलोड हो रही है, मैं वीडियो को स्टॉप करूंगा ताकि वीडियो लंबी ना बने जी। तो फ्रेंड्स जी मेरी फाइल डाउनलोड हो चुकी है, अभी हम दोबारा अपने राउटर के ऊपर चलते हैं। ये राउटर है जी, यहाँ पे दोबारा एडमिनिस्ट्रेशन को ओपन करते हैं, यहाँ से ब्राउज करते हैं। ब्राउज करने के बाद मैंने डेस्कटॉप पे ऊपर फाइल रखी है, ये देखें जी जैसा कि ये मेरी पहली फाइल है जी जो 52 वाली है, तो जो अभी मैंने डाउनलोड की है वो ये है जी 42 वाली। अभी हम इसको अपलोड करते हैं, देखते हैं क्या हमारा राउटर डेड होता है या अपलोड होती है या नहीं। ओपन किया, यहाँ से ओके किया, क्या ये हमारा डाउनग्रेड होता है कि नहीं। ये देखें जी हमारा सक्सेसफुली अपग्रेडिंग डाउनग्रेड होना शुरू हो गया, कोई मुश्किल काम नहीं। ये देखें जी आपके सामने मैंने डाउनग्रेड करके दिखाया, जो भाई अपने फर्मवेयर को अपलोड लेटेस्ट कर लिया उसने वो डाउनग्रेड करना चाहता है तो कर सकता है, कोई मसला नहीं होगा। लेकिन आपने वर्जन वगैरह देख के करना है, किसी और वर्जन का ना कर दें तो उससे डेड हो सकता है, लेकिन वर्जन सेम हो ठीक है तो फिर बेशक आप डाउनग्रेड करें तो डाउनग्रेड होगा। भी रिबूट हो रहा है, दोबारा हमारा राउटर कनेक्ट होता है और देखते हैं क्या ये हमारा क्या नाम है डाउनग्रेड हो चुका है कि नहीं। इधर बस रिपोर्ट हुआ है, देखते हैं आगे हमारा राउटर वर्किंग करता है या नहीं करता जी। तो फ्रेंड जी अभी मैंने क्या नाम है राउटर को अभी कनेक्ट नहीं किया, अभी मैं दोबारा उसको कनेक्ट करता हूँ, फिर देखते हैं हमारा राउटर ये कनेक्ट हो चुका है। दोबारा पेज को रिफ्रेश करते हैं, चेक करते हैं कि हमारा राउटर क्या नाम है ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा, पता चल जाता है जी। अभी जैसा कि फ्रेंड ये देखें मेरा राउटर अभी लॉगिन पेज पे आ चुका है जी, वही एडमिन पासवर्ड लगाता हूँ
सॉरी, हमें ना रूटर को रीसेट करना पड़ेगा जी। जैसे कि फ्रेंड जी अभी आईपी नहीं ओपन कर रहा, वो पहले ही पेज था इसलिए वो शो हो गया था, लेकिन अभी मैं आपने राउटर को रीसेट करना है फिर दोबारा ओपन करना है। अभी मैं तो राउटर को रीसेट करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। जैसे कि फ्रेंड मैंने अभी राउटर को रीसेट किया, देखते हैं जी अभी राउटर रीसेट हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर आपका ओपन हो जाता आईपी एड्रेस फिर तो ठीक है, नहीं तो आप अपने राउटर को एक बार रीसेट कर लें। अभी तो यही नाम शो हो रहा है दोबारा, थोड़ा टाइम लेगा। तो अभी राउटर तो प्रॉपरली ऑन हो चुका है, लेकिन इधर अभी वही नाम शो हो रहा है। दोबारा चेक करते हैं हम। ऐसे कि फ्रेंड जी अभी मेरा राउटर कनेक्ट हो चुका है, ये यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं। ये देखें जी हमारा राउटर आ चुका है। डायनेमिक करते हैं, सेव करते हैं, क्योंकि मैं इधर कॉन्फ़िगरेशन नहीं बताऊंगा, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन फुल कॉन्फ़िगरेशन टेंडा के ऑल सेटिंग की एक्सप्लेन बताई है कि बैंडविड्थ कंट्रोल है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मीनिंग है। तो आप जाके वो वीडियो फुल वेज देख लें, आपको ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगी। नीचे आते हैं जी, ये देखें जी हमारा फर्मवेयर डाउनग्रेड हो चुका है जी। ये देखें जी अभी 42 हो चुका है। तो कोई मसला नहीं, आप लोग कर सकते हैं, लेकिन आपने वर्जन वगैरह देख के करना है। अगर वर्जन हो, ये देखें इस पे मल्टी SSID का भी ऑप्शन है, तो आपने बस वर्जन देख के करना है, तो आपका राउटर डेड नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।